नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान विधानसभा से भाजपा विधायक देवेंद्र निम पर हकीकत नगर निवासी सतीश कुमार नाम के बुजुर्ग ने उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सतीश कुमार का कहना है कि सत्ता के दबाव में आकर भाजपा विधायक देवेंद्र निम ने उनके दिल्ली रोड स्थित एक प्लॉट पर जबरन कब्जा कर लिया है। बुजुर्ग सतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने जब जिले के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो भाजपा विधायक के दबाव में आकर किसी ने उनकी मदद नहीं की, जिससे निराश होकर उन्होंने अब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बुजुर्ग का कहना है कि विधायक लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को भाजपा विधायक देवेंद्र निम से ने बेबुनियाद बताया है। विधायक का कहना है कि सतीश कुमार जिस प्लॉट की बात कर रहे हैं वो उनके पिताजी का है और यह मामला 35 सालों से कोर्ट में विचाराधीन है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उन्हें इस मामले में इश्ते मिला हुआ है। कुछ लोग मेरी बढ़ती लोकप्रियता के चलते सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचकर उनकी छवि खराब कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि उनके 4.5 सालों के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा। अब चुनाव नज़दीक है तो उनके राजनीतिक विरोधी इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। भाजपा विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि उनके पास प्लॉट के सभी कागजात मौजूद हैं और वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। सहारनपुर से पारस पवार की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? सतीश कुमार जी। विधायक द्वारा जो प्लॉट कब्जाने का मामला है, क्या पूरा मामला? सर, हमने ये प्लॉट 1999 में लिया था, बहनामा है हमारे पास, तभी हमने दाखिल खारिज सर करवाया था, वो भी हमारे पास है, हमारा नाम दर्ज है खसरा खतौनी में सब जगह। तो दो इन्होंने तभी प्लाट हमारे पे कब्जा करने की कोशिश की तो हम कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से हमें 2007 में हमारे हक में हो गया था पूरा ये मैटर। तो ये उसके अगेंस्ट फिर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे लेके आ गए, वहाँ पेंडिंग चल रहा है तक मैटर, फाइनल हेयरिंग के लिए पड़ा हुआ है। इन्होंने एक 229B का मुकदमा हमारे पर 2003 में कर दिया कि एग्रीकल्चर लैंड और हमारा कब्जा है इस पर, जबकि वो लैंड जो है सारी आवासीय है, जो सब हर जगह वो आवासीय लिखी हुई है हमारे खसरा खतौनी में हर जगह। तो 2012 में SDM साहब ने स्वयं संज्ञान लेके इसको आबादी घोषित कर दिया था, लेकिन 2020 में दूसरे SDM साहब से इन्होंने साझ करके लेखपाल से भी, तो इन्होंने उसको एग्रीकल्चर लैंड दोबारा से घोषित करवा के अपने हक में करवा दिया। अभी इसमें दाखिल खारिज जो है इनके नाम से हटके इनका नाम आना चाहिए देवेंद्र निम का। फिर हम इसके अगेंस्ट गए कमिश्नर साहब की कोर्ट में, वहाँ पर भी उन्होंने सेम ऑर्डर को सेम रखा, हमारे खिलाफ ही रखा उसे भी। फिर हम इसके खिलाफ अब गए हैं रिवेन्यू कोर्ट ऑफ लखनऊ, तो वहाँ जाके हमें पता चला कि विधायक जी यहाँ भी आए थे दबाव बनाने के लिए, तो मजबूरन हमें फिर CM साहब के पोर्टल पे ये जाना पड़ा। क्या कारण है जो SDM साहब ने इनके विधायक जी के फेवर में आदेश किया? सर, वो तो उनके दबाव में आके कि जिन्होंने आदेश किया, नेक्स्ट डे उनका ट्रांसफ़र रामपुर मनियारनी हो गया था, मतलब पहले हुआ होगा, उसी दिन वो ऑर्डर करके गए थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा प्लाट हमें मिले। ये कल मैं क्षेत्र में था तो मुझे आपके द्वारा ही कई लोगों के फ़ोन आए और पता गया कि किसी ने मेरे ख़िलाफ़ कोई एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मामला लगभग 35 साल पुराना है। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय रामस्वरूप निम जी के नाम से एक वाद लंबित चला आ रहा है और आज भी ये जो वाद है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें हमारा कंफर्म स्टे मान्य है उच्च न्यायालय ने हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये मामला 35 साल पुराना है और इसको आज के समावेश में जोड़कर मेरे खिलाफ़ मेरे शुभचिंतकों के द्वारा इसको एक मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया।
मेरा 4.5 साल का कार्यकाल है और आप सब लोग जानते हो, लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, लगातार जनता से जुड़ा रहता हूँ। लेकिन चुनाव 4 महीने बाद है तो मेरे जो विरोधी हैं या मेरे शुभचिंतक जिन्हें मैं कहता हूँ, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था, तो उन लोगों ने एक ऐसा ही एक षड्यंत्र रचा और एक पत्र जो पूरी तरह से बिल्कुल तरह से फेक है, क्योंकि जब मैं बार बार बात करता हूँ कि ये पूरा का पूरा मामला उच्च न्यायालय में है और नीचे से लेकर जितनी अदालत हैं हमारी SDM कोर्ट से लेकर और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से लेकर और रेवेन्यू बोर्ड तक, सारी जगह ये पूरा का पूरा मामला हमारे पक्ष में, सारे फैसले हमारे पक्ष में हुए। और कब्जा वाली बात तो इसमें आती नहीं है, क्योंकि लगभग 35 साल का जब ये पुराना मामला है और हमारे पिताजी ने जब ये इसका बैनामा लिया था तो FCI जो होती है उसके यहाँ से हमने बैनामा लिया था, उन्होंने हमें कब्जा दिया था और कब्जा हमारा ही चला आ रहा है। लेकिन मैं बार बार इसको इंगित कर रहा हूँ कि ये हमारे कुछ शुभचिंतकों के द्वारा इसको भ्रमित कर मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, सब जगह इसको चलाने का काम हो रहा है। ये बहुत ही दुखद है, एक सस्ती लोकप्रियता लोग मेरे अपने लिए हासिल करने के लिए और मेरे खिलाफ़ एक छोटा सा ऐसा इन्होंने एक षड्यंत्र रचा जो मुझे आज आपके द्वारा भी और कुछ एक पेपर्स के माध्यम भी पता लगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये आरोप बिल्कुल झूठा है, निराधार है और सारा का सारा प्रकरण हमारे शुभचिंतकों द्वारा बनाया गया है और उनको सतीश कुमार जो है उनको सिर्फ एक मोहरा के रूप में हमारे शुभचिंतकों ने पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। तो सतीश कुमार आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर कि प्लॉट कब्जा लिया है 400 बजे? वो हताशा में है क्योंकि सारा का सारा मामला, ने बार बार बताया कि नीचे लोअर कोर्ट से लेकर और अभी रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट तक सारा का सारा प्रकरण हमारे पक्ष में है। मतलब पूरा का पूरा हमारे जो वकील थे, जो हमारे कानूनवत थे, उन्होंने सब ने हमारे पक्ष, मतलब माननीय उच्च न्यायालय ने भी कन्फर्म स्टे हमारे पक्ष में दिया हुआ है और ये लगातार इसको मुद्दा बनाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और कुछ हमारे राजनीतिक जो हमारे शुभचिंतक हैं वो उनके साथ मिल गए हैं और उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आज से ये, जब मैं बार बार बात करता हूँ 35 साल का, आज तक उन्होंने कहीं पर भी कोई मीडिया में कहीं पर भी कोई इन्होंने बयान नहीं दिया, ना कोई अखबार में दिया। लेकिन जब अब चुनाव नज़दीक है, 4 महीने रह गए चुनाव में, तो मेरे शुभचिंतकों के द्वारा उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे बार बार ऐसे मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं जिससे मेरी छवि को धूमिल किया जाए, जिससे मेरी छवि को ख़राब किया जाए। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा 4.5 साल का कार्यकाल है और मैं बार बार इसको इंगित इसलिए करता हूं कि ये 35 साल पुराना मामला है, इसमें विधायक का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। ये पिछले 35 साल से इन्होंने जो सतीश कुमार जी हैं, इन लोगों ने इस मुद्दे को कोर्ट में ले गए थे। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।